हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुसी देख रहे जे समाजिक हलचल न्यूज़। ते मैं तुहाडा दोस्त आरटीआई सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह शेरगिल। तुसी साडे समाजिक हलचल न्यूज़ चैनल नू बहुत ही माण प्यार सत्कार बख्शिया। ते नाल दे नाल PB02 माझा न्यूज़ और अक्सर मैं बलविंदर सिंह शेरगिल प्रोफाइल पेज तो मैं अपने वीरां नाल, भरावां नाल, सज्जणां मित्रां नाल सांझ पा के रखदा हाँ। तो मैं एक गल तुहाडे वीरां दे नाल रूबरू करन जा रहा हाँ। तो अज जिहड़ा नवां टॉपिक है वो ये आ कि मैनू पहली बार पता लगा, तो जिन्हें भी वीर सोशल मीडिया ते काम करदे हन, पत्रकार, रिपोर्टर जां जिहड़े भी प्रेस नाल जां डिजिटल मीडिया दे उत्ते काम करदे हन, सोशल वर्करी करदे हन, उन्हां नूं पता होवेगा, पर मैनू नहीं पता है। जे पता हुंदा तां अज तों पहलां मैं इह गल तुहाडे सामने रूबरू कर दिंदा। ओह इह आ कि सब तों पहलां वीरो, जदों भी तुसीं SSP दफ्तर जांदे जे ते उत्थे इक तुहाडा आधार कार्ड दी कापी और नाल एक मोबाइल नंबर तुहाडा लिया जांदा है। ते किसी भी मसले ते तुहाडी कोई रिपोर्ट होवे, किसी भी मसले ते तुहाडा कोई भी मसला तुहाडे नाल पैंदा आ जां तुहाडे नाल कोई इहो जी गतिविधि हुंदी आ जां तुहाडे उपर कोई अत्याचार हुंदा आ, ते तुसीं SSP दफ्तर जा के अपना मोबाइल नंबर ते आधार कार्ड दी कापी देंदे जे, ते ओह कंप्लीट जदों उपरों थले नंबर ही बन के आउंदी आ, ते चाहे वह थाने वाले जां थाने तो थले चौंकी हुंदी आ, चौंकी इंचार्ज नूं मार्क कर देंदे आ, ते चौंकी इंचार्ज जिहड़ा आ उह चाहुंदा आ कि जिहड़ी इह रिपोर्ट उत्तों आई आ कुछ ही दिनां दे विच इह मतलब रिपोर्ट जिहड़ी आ मैं वापस करनी आ। जेकर रिपोर्ट देण वाला इंसान उहदे उपर सहन नहीं करदा, ते इत्थों तक कि पुलिस वाले जिहड़े मुलाजम हुंदे आ ना, माफ करना, वो आप ही उहदे ते कारवाई पा के ते वापस कर देंदे आ। चलो इथों तक भी ठीक है कि जिसने SSP दफ्तर जाके रिपोर्ट दित्ती उहनूं ते कोई फायदा ना होया, लेकिन जेकर वह महीने, दो महीने, तिने महीने फिर जाके SSP दफ्तर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाउंदा आ, ते उत्थे उहदे कोलों आधार कार्ड की कापी ली जाती आ, फिर मोबाइल नंबर लिया जाता आ, ते जदों वह सर्च मारदे आ ते वो कहिंदे आ कि तुहाडी जिहड़ियां कंप्लेटां ने जां तुसीं जिहड़ी रिपोर्ट इत्थे आण के करवाई ही, जिहड़ी कंप्लेंट दर्ज करवाई ही, वह पेंडिंग चलदी पई आ। फिर वह की करनगे कि उत्थों दा नंबर वाइजर लिखा हुंदा 1, 2, 3 जां 3 नंबर वाली जिहड़ी खिड़की हुंदी आ उह लिख देणगे कि तुसीं अपने चौंकी इंचार्ज कोल जावो, उत्थों पता करो कि तुहाडी रिपोर्ट जिहड़ी आ खारज क्यों नहीं हुई। जदों तुसीं उत्थों फिर वापस आउंदे जे, चौंकी इंचार्ज दे कोल आउंदे जे, चौंकी इंचार्ज फिर अपना रजिस्टर कढ़दा आ, जिहड़ा मतलब रजिस्टर हुंदा आ उहनूं फोलदा आ, ते फिर उह तुहानूं लिख दिंदा आ कि जिहड़ी रिपोर्ट आ जी आ वेखो मैं कुछ मसलियां करके नहीं दिखा रहा, चलो हर एक दी कोई ना कोई प्राइवेसी हुंदी आ, मैं उहदा नाम नहीं लै रहा जिस वीर दे मसले 'च आपां गए हाँ। ते चौंकी इंचार्ज भी यह गल कह दिंदा आ क्योंकि मैं एक लोकेशन दसा तो सरदा नहीं है, क्योंकि ये हर एक जिथे जिथे भी मतलब ये पुलिस महकमा आ जां लोग वसदे आ ते लोकां नाल राबता कायम हुंदा ही रहिंदा आ, ते हर एक दे नाल हर एक नूं ये मुश्किलातां जिहड़ियां आउंदियां ने। और जदों चौंकी इंचार्ज लिख दिंदा कि असीं इधरों कार्रवाई पाती आ, तुहाडी रिपोर्ट जिहड़ी आ खारज हो चुकी आ, तुसीं हुण उत्थे जाके फिर SSP दफ्तर जाके जिहड़े रिपोर्टां चैक करदे आ जां नंबर लाउंदे आ उहनां नूं जाके पुछो। ते माफ करना, जदों गए आ फिर SSP दफ्तर गए, एक नंबर तों पुछिया गया ते उहनां ने कहा कि तुहाडियां जिहड़ियां कंप्लेंटां सन ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ 3-3, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, RTI ਪਾਓ।
और आरटीआई जदों असीं पाउण गए आ तैयार भी कीती। हाँ जदों आरटीआई असीं पाई आए उहदी कापी आ, फिर उस भैण ने इन्नी गल कही कि तुहानू एक महीने की वेट करनी पवेगी, तो जो आरटीआई दे अधीन असीं तुहानू इनफॉर्मेशन देवांगे, जो गाइडलाइन होवेगी उस दे आधार ते तुसीं फिर अगली कार्रवाई करियो। हुण जिन्ना चिर तुहानू आरटीआई दे थ्रू भी कोई इनफॉर्मेशन नहीं मिलती, उन्ना चिर तुसीं एसएसपी दफ्तर कोई भी कंप्लेट नहीं कर सकते। मेरा कहने का भाव है कि जनाब सारे आपां भैण भरा हाँ, जे एक दूजे नाल साडा नौ मास का रिश्ता आ, असीं एक दूसरे दे नाल वितकरा नहीं करते, तो फिर ये किस तरह के कानून निकल रहे हैं जां किस तरह के कानून गौरमेंट पास करती पई आ, ये साड़ी समझ तो गल बाहर आ। कि मन के चलो कि जे भुलेखे नाल तुसीं एसएसपी दफ्तर एक रिपोर्ट कर दिती आ किसी दे बरखिलाफ, वो वापस आ गई आ नंबरी बन के, तो पुलिस वालिया ने उहदे ते कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने वापस भेज दिती आ, फिर चार चार महीने पांच पांच महीने तुहानू खारज करन ते लगणगे। फिर जेकर वह तुहानू कुछ भी नहीं दस दे ते ए मसला इस तरह ही लटकता रहेगा, फिर तुहानू कोई ऐसो एहो जिहा इंसान मिलेगा जिहड़ा कहूगा कि आओ आपां देखदे आ इहदा की हो सकता है। फिर उत्थों पहली गल ते तुहानू सही रस्ते कोई तोरदा ही नहीं आ, एसएसपी दफ्तर तों वी जिहड़े वीर बैठे ने जां जिहड़ियां भैणां बैठियां ने उह तुहानू सही रस्ता तोरदे नहीं। जे तुसीं अगाह हो के गल पुछदे जे फिर तुहानू कहणगे आरटीआई पाओ। हुण आरटीआई वी पाई आ, वह भी एक महीने का समा आ, एक महीने तो बाद पता नहीं की गाइडलाइन आनी आ कि असी तुहाडा मसला हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जां होर कंप्लेट तुसी किसे ते कर सकते जे कि नहीं कर सकते। हुण तुसी अदालती तुरो, फिर जिवें छे छे सत सत महीने की कोई कंप्लेट आ, वह बेचारा बंदा छे सत महीने इंतजार करता पिया आ, फिर उन्होंने महीना एक आरटीआई का लगेगा, हो सकता डेढ़ महीना लग जाए, फिर उस तो बाद फिर वह चक्कर अदालती खाएगा, वकील करेगा, अदालतों के विच जाके अपनी हक सच की आवाज बुलंद करेगा। मेरे वीरों दिहाड़ीदार बंदा इथों तक मार कर ही नहीं सकता, दिहाड़ीदार बंदा इथों तक चल ही नहीं सकता, तो फिर सानू इहो जिहे कानून बनाउण दा की फायदा आ। मैं मन लो कि एक रिपोर्ट किसी ते दित्ती आ, वह रिपोर्ट मुड़ के छे महीने उत्थे लटकती रहे, साल लटकती रहे, वह खारिज ही ना हो, मतलब मैं एस एस पी दफ्तर कोई रिपोर्ट कर ही नहीं सकता। की करांगे भराओ इहोजे कानून नूं, क्योंकि कानूनों दे विच कहिंदे नवां कानून आ चुका जी, ये सोध हुई आ, इस करके असीं हुण एक ही रिपोर्ट लवांगे, ते बशर्ते कोई नंबर बदला के जे रिपोर्ट लिखाउंदा है तो हो सकता उहदियां दो कंप्लेटां कितें दर्ज हो जाण, अबल ते हुंदियां नहीं, एक ही रिपोर्ट चलती है जिहनूं असीं कंप्लेट कह दिंदे आ जां किसी दे विरुद्ध असीं कंप्लेट दिंदे आ। ते मैनूं ते इउं लगदा कि फिर गरीब बंदा जिहड़ा आ दिहाड़ीदार बंदा उह किधर जाऊगा, उहदे वास्ते रस्ता बड़ा मुश्किल आ। ते चाहे मौजूदा सरकारां हन चाहे शासन प्रशासन आ, मेरी बेनती है इहनां नूं कि कम से कम ठीक है लोग चार चार पांच पांच रिपोर्टां कर देंदे आ ते वह भी एक गुंझलदार मसला बन जांदा आ, पर एक बहुत वड्डे पद्धर ते ते सख्त हदायत होनी चाहीदी है कि जिहदे उपर नंबरी जमान सॉरी नंबरी कंप्लेट हुंदी आ उहदी पूरी सुनवाई होनी चाहीदी आ, ते बिल्कुल पानी दा पानी ते दुध दा दुध उतार के एस एस पी दफ्तर वह जिहड़ी रिपोर्ट फिर खारज हो जानी चाहीदी आ तुरंत 24 घंटिआं दे विच विच। तो जे इस तरह नहीं हुंदा तो फिर बड़ी मुश्किल आ, फिर किनू आपां शिकायत कर सकते हैं। वेखो जी साडी पहुँच जिहड़ी आ कानून तक हुंदी आ, ते कानून दे नाल जिहड़े कानून दे विच रते होए ने उह उहनां नूं असीं मुलाजम जां पुलिस मुलाजम कह सकते हैं, पुलिस अफसर कह सकते हैं, पुलिस अफसर साहिबान कह सकते हैं। जे उहनां कोलों वी गरीबां नूं जां आम लोकां नूं आम जनता नूं कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, कोई उहनां नूं मन की तसली नहीं होगी, सदा ही मन उन्हों का दुखी रहेगा, तो फिर की कर सकते हैं। मैं चाहना हाँ कि कानून सख्त तो सख्त हो, सुनवाई भी पूरी हो, बेशक दोषी चाहे किन्ना भी कड़म चौधरी होवे, किड्डा भी वड्डी उहदी पहुँच होवे,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭਰਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਪੈਲੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।